यस सो नाइट्रोजन साइकिल में फर्स्ट प्रोसेस जो होगा दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अमोनिया या तो बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन या तो बाय फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जहां पे लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म आर रिस्पॉन्सिबल एंड इवन इंडस्ट्रियल प्रोसेस से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है बट मेनली हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ध्यान दे रहे हैं सो थ्रू दैट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इंटू अमोनिया इन द सॉइल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अमोनिया और ये प्रोसेस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम राइजोबियम जो रहते हैं सिम्बायोटिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन सिम्बायोटिकली विद रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स root nodules of leguminous plants, pea plant, beans, उसके साथ रहते हैं. So rhizobium के पास mainly enzyme जो है, that enzyme is nitrogenase, जो ये biological nitrogen fixation कर पाता है. और इस process में, basically it is nitrogen combining with 8 protons plus 8 electrons. Plus 16 ATP. So it's a highly energy expenditure process to form ammonia, two molecules, plus hydrogen, plus 16 ATP, 16 ATP. So ये पूरा ऐसा nitrogen fixation होगा. फिर ये जो ammonia बना है ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है इनटू फर्स्ट नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्राइट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होने के टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म यूज होगा दैट इज नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया में नंबर वन जो है दैट इज नाइट्रोजोमोनास एंड नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज नाइट्रोबैक्टर ये नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजोमोनास नाइट्रोकोकस ये सब कीमो ऑटोट्रॉफ्स है केमिकल रिएक्शन में जो करेंगे इससे ये एनर्जी डिराइव करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फिर जाके ये नाइट्रेट्स अवेलेबल हो जाएगा टू द ग्रीन प्लांट्स प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और बनाएंगे अमाइनो एसिड्स में फर्स्ट अमाइनो एसिड जो बनता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामेट फर्स्ट अमाइनो एसिड और फिर अमाइनो एसिड से बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे प्रोटीन्स जो भी बनेंगे वो बाद में जाएंगे टू द एनिमल्स फिर प्लांट हो या एनिमल हो उनका जैसे ही हो जाता है डेथ तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उसका डीकम्पोजिशन होता है और देर आर सर्टन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जो वापस से उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं
organic approach. So that is by ammonification. Finally, ammonia वापस से convert हो जाता है into atmospheric nitrogen, and that process is called as denitrification. Denitrification, and that is done by bacteria like Pseudomonas, denitrificans. Bacillus species, Paracoccus, etc. So ये सब organisms perform करते हैं. So overall हम लोगों ने जो major steps पढ़े उसमें एक आया number one biological nitrogen fixation, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने nitrification through nitrifying bacteria, nitrites and nitrates में. थर्ड हम लोगों ने पढ़ा अमोनिफिकेशन के डीकम्पोजिशन से अमोनिया में कन्वर्ट करना, एंड फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा डीनाइट्रिफिकेशन. तो ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल का है मेटाबॉलिज्म. अगर बैक्टीरिया ना हो तो सॉइल में नाइट्रोजन आएगा ही नहीं, और सॉइल में नाइट्रोजन नहीं आएगा तो अमाइनो एसिड्स प्लांट नहीं बना पाएंगे, प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, और प्रोटीन अगर प्लांट्स नहीं बना पाए तो हम लोग को नहीं मिलेगा. सो हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में प्रोटीन्स का ही कंटेंट होता है, और उसके लिए नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल. इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल, जो हम लोगों ने अभी पूरा डिटेल में डिस्कस किया.